चूक भई जो मिलके जय जयकार करी, चुरकट इज्जतदार हो गो धोखे में, चुरकट इज्जतदार हो गो धोखे में, सब रो बंटा ढार हो गो धोखे में। मित्रों नमस्कार, मैं आज आपको अपने जीवन के बारे में वो सारी बातें साझा करने की कोशिश करूंगा जो मैंने अभी तक कहीं और किसी के साथ भी साझा नहीं की। तो मैं आपको बता दूं कि झांसी और बीना के बीच धौर्रा स्टेशन के पास पिपरई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 1954 को मेरा जन्म हुआ। मेरी प्राइमरी शिक्षा गांव के शासकीय स्कूल में ही हुई। इसके बाद मेरे जीजा जी मुझे पढ़ने के लिए ग्वालियर लेवालाए, जहां छठवें क्लास में मेरा एडमिशन जयेंद्रगंज में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला ग्वालियर में हुआ। छठवां, सातवां और आठवां, ये तीन कक्षाएं मैंने इसी स्कूल से उत्तीर्ण की। इसके बाद नाइन्थ क्लास में झांसी रोड ग्वालियर पर स्थित उस समय के वीसी हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने नाइन्थ में एडमिशन लिया और नाइन्थ और टेंथ मैंने वीसी हायर सेकेंडरी स्कूल से किया। इसी बीच एक जो बड़ा भारी परिवर्तन हुआ उसके बारे में मैं आपको और बता दूं। नाइन्थ क्लास में मेरे स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ और उसमें एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उस समय के बहुत ही चर्चित जनकवि श्रद्धेय स्वर्गीय श्री मुकुट बिहारी सरोज को भी बुलाया गया और मैं उनकी कविताओं को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि मुझे कविता लिखना चाहिए और मैंने उसी समय से कविता लिखना शुरू कर दिया। तत्पश्चात मैं जीजाजी का ट्रांसफर चूंकि मुरैना हो गया तो मैं उनके साथ मुरैना आ गया और मुरैना में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरैना में मैंने प्रवेश लिया और वहां से मैंने 11th किया। इसके बाद जीपी कॉलेज नाम का एक वहां कॉलेज हुआ करता था उस समय और उसमें मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और वहां हुए एक कार्यक्रम में उस समय के सुप्रसिद्ध हास्य कवि स्वर्गीय शैल चतुर्वेदी जी को बुलाया गया और मैंने उनके साथ सबसे पहली बार मंच साझा किया। और इसी वर्ष मैं शासकीय सेवा में चयनित हो गया और मैं भिंड आ गया
और भिंड में। फिर मैं 1987 तक 14 वर्ष तक लगभग वहां पर मैं कार्यरत रहा, और इसी बीच मेरी लेख की ऊर्जा विकसित हुई और मैंने अपने लेखन को गति दी। भिंड में बाल साहित्यकार ज्यादा थे, रामानंद स्वर्ण, ए असफल, दरवेश, ओम प्रकाश नीरस जैसे कुछ मित्रों का साथ मिला और मैं बाल कविताएं लिखने लगा। क्योंकि नौकरी मेरी बहुत छोटी सी थी और इसलिए गांव में अपने परिवार का खर्च चलाना और वहां का खर्च चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और आर्थिक तंगी के कारण मैंने कुछ ऐसी पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया जैसे सरिता, मुक्ता, भू भारती, चंपक, सुमन सौरभ, लोटपोट और जो भी पत्रिकाएं मानदेय दिया करती थी मैंने उनमें लिखना शुरू किया। और इस तरह से मैंने लगभग 4 वर्ष अपना लेख की राशि से अपने भरण पोषण किया। इसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया और फिर उस समय से मैंने पैसे के लिए लिखना बिल्कुल बंद कर दिया और मैं पूरी तरह से एक मिशन के तौर पे लेख की लेखन के क्षेत्र में कूद पड़ा और तब से निरंतर मैं लिखता आ रहा हूं। अब मैं आपको बुंदेली गजल की बात करूं तो लगभग पहली गजल शायद मुझे जहां तक ध्यान है 71-72 में मैंने लिखी थी, और पंच सवई पथरा हो जे हैं ऐसो नहीं जानते, हीरा सब ककरा हो जे हैं ऐसो नहीं जानते। और दूसरी मेरी बुंदेली गजल थी, भैया जब से थानो खुल गओ ए गांव के गेहूड़े, सुनो कुजाने कोकू लुट गओ ए गांव के गेहूड़े। तो ये क्रम मेरा शुरू हो चुका था लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये बुंदेली गजल है। मैं उसको एक बुंदेली रचना के तरह से गोष्ठियों में पढ़ता रहा। बाद में जब साये में धूप प्रकाशित हुई, दुष्यंत जी की कृति और बड़ी चर्चित हुई, तो मैंने भी उसे पढ़ा और उसको पढ़कर मुझे लगा कि बुंदेली गजल पर काम किया जा सकता है, और इस तरह से बुंदेली गजल का जन्म हुआ और फिर मैंने बुंदेली गजल को पूरी तरह से आत्मसात करने की कोशिश की। बस इसी तरह से वो सिलसिला चल पड़ा और फिर तो हिंदुस्तान की तमाम सारी जितनी भी बड़ी पत्रिकाएं थीं उनमें कहानियां, कविताएं प्रकाशित हुई। अभी तक मेरी 26 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। प्यास कहानी संग्रह मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के सौजन्य से, सहयोग से आया था 1997 में। गांव के ग्योड़े बुंदेली गजल संग्रह 1998 में, और इसके बाद हरदम हंसता गाता नीम एक बाल गीत संग्रह था जो 2006 में आया। तुम कुछ ऐसा कहो नवगीत संग्रह 2012 में, वैदेही विषाद नाम की एक लंबी कविता है जो 2012 में आई। आवाज का चेहरा गजल का संग्रह 2013 में। अब जीवे को एक इचारो बुंदेली गजल संग्रह 2016 में, और इसके बाद बात कह दो टूक काजू बुंदेली गजल संग्रह 2017, दुआएं दो दरख्तों को गजल संग्रह 2017, सारी खींचतान में फरेब ही फरेब है गजल संग्रह 2017,
आशाओं के नए महल गजल संग्रह 2017 और इसके बाद अभी तक तमाम सारी पुस्तकें फिर इस तरह से प्रकाशित होती रहीं। ये मेरा एक छोटा सा जीवन परिचय था जो मैंने आपके सामने रखा और अब मैं आपके सामने अपनी एक दो रचनाएं आपके सामने सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आप, गजल का मतलब है कि अमीरी जिंदगी में ऐब के आमाल रखती है, अमीरी जिंदगी में ऐब के आमाल रखती है, गलाजत पोंछने को जेब में रूमाल रखती है, गलाजत पोंछने को जेब में रूमाल रखती है। और शेर देखें कि शिकारी की सियासत को परिंदे भूल जाते हैं, शिकारी की सियासत को परिंदे भूल जाते हैं, जहां दाना बिछाती है वहीं पर जाल रखती है, जहां दाना बिछाती है वहीं पर जाल रखती है। गरीबी जिंदगी को दूर तक देखा नहीं करती, गरीबी जिंदगी को दूर तक देखा नहीं करती, तसव्वुर में वो अपने सिर्फ रोटी दाल रखती है, तसव्वुर में वो अपने सिर्फ रोटी दाल रखती है। उस शेर है कि रहे खुशहाल घर बस इसलिए अम्मा दिवाली को, रहे खुशहाल घर बस इसलिए अम्मा दिवाली को, दरो दीवार पर दो सांतिये हर साल रखती है, दरो दीवार पर दो सांतिये हर साल रखती है। और आखिरी शेर देखें कि सुगम की जिंदगी तो एक मोहब्बत का तराना है, सुगम की जिंदगी तो एक मोहब्बत का तराना है, जो अपने साथ में संगीत की सुरताल रखती है, जो अपने साथ में संगीत की सुरताल रखती है। अमीरी जिंदगी में ऐब के आमाल रखती है, गलाजत पोंछने को जेब में रूमाल रखती है, गलाजत पोंछने को जेब में रूमाल रखती है। और एक बुंदेली गजल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि बेदर्दी से प्यार हो गया धोखे में, बेदर्दी से प्यार हो गया धोखे में, सबरो बंटा ढार हो गया धोखे में, सबरो बंटा ढार हो गया धोखे में, समझे ते है बड़ो बैद बीमारी को, समझे ते है बड़ो बैद बीमारी को, पूरो घर बीमार हो गो धोखे में, सब रो बंटा ढार हो गो धोखे में। और खुशियन बारे बड़े पोस्टर टांगे थे, खुशियन बारे बड़े पोस्टर टांगे थे, दुखन को अवतार हो गो धोखे में, दुखन को अवतार हो गो धोखे में, सब रो बंटा ढार हो गो धोखे में। और चूक भई जो मिलके जय जयकार करी, चूक भई जो मिलके जय जयकार करी, चुरकट इज्जतदार हो गो धोखे में, चुरकट इज्जतदार हो गो धोखे में, सब रो बंटा ढार हो गो धोखे में। और दो हमने बरदान बन गओ भस्मासुर, दो हमने बरदान बन गओ भस्मासुर, खूनी और खूंखार हो गओ धोखे में, खूनी और खूंखार हो गओ धोखे में, सब रो बंटा ढार हो गओ धोखे में। और सोचते के सोम टरे मंगल आहे, सोचते
के सोम टरे मंगल आहे आके शनि सवार हो गओ धोखे में सब रो बंटा ढार हो गओ धोखे में बेदर्दी से प्यार हो गओ धोखे में सब रो बंटा ढार हो गओ धोखे में सब रो बंटा ढार हो गओ धोखे में। नमस्कार, धन्यवाद आपको।